आप देख रहे हैं पी न्यूज। पी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए निगाह डालते हैं आज की इस खबर पर। जिला ब्यूरो चीफ जुबेर अहमद की रिपोर्ट। शादी का झांसा देकर उत्पीड़न का आरोप, जिसको लेकर प्रीता ने एसपी से की मामले की शिकायत। बता दें कि पिछले 26 जनवरी को कालपी की एक छात्रा की मुलाकात उरई कोतवाली के तैनात सिपाही राजकुमार भदौरिया से पुलिस लाइन में हुई थी, जो कस्मेवादों के साथ प्रेम में बदल गई, जिसमें सिपाही राजकुमार ने युवती से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना डाला, जिसे बाद वह फरार हो गया। मामले को लेकर लाकी छात्रा ने अपनी आप बीती पुलिस को सुनाते हुए बताया कि पुलिस से शादीशुदा होने की बात को छुपाते हुए हाल में नदी गांव में तैनात राजकुमार सिपाही ने धोखा दिया है और शादी के सपने दिखाकर गलत किया है, जिसकी इंसाफ की गुहार लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। मामले को संज्ञान में लेते हुए अपर पुलिस अध्यक्ष अवधेश सिंह ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जी हाँ, हम कालपी के रहने वाले हैं, लौकी का छात्रा हैं और यहाँ हम औरई में अध्ययन कर रहे हैं, कमरूप किराए का रूम लेके। उसके बाद 26 जनवरी के दिन हमारी पुलिस लाइन पे एक कांस्टेबल चालक के पद पर था राजपाल सिंह भदौरिया, उससे हमारी मुलाकात हुई। उसने मेरा मोबाइल नंबर वगैरह लिया और बाई चांस मेरे फ़ोन पर पहले मैसेज वगैरह और फ़ोन वगैरह करता रहता था, तो हमने उसको कई बार ब्लॉक भी किया। एक बार की 20 फरवरी का दिन था, उस दिन मेरे फ़ोन पर मैसेज आया हैप्पी शिवरात्रि करके, तो मैंने उसका रिप्लाई दे दिया रॉन्ग नंबर जान के, पता नहीं कौन परिचय का है। उसके बाद धीरे धीरे उससे मेरी बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू होने के बाद उसने ये नहीं बताया, इसने मुझे झूठी शादी का झांसा दिया और शादी की भी शायद साथ में मांगने सिंदूर लगाया मेरे। उसके बाद जब ये मैंने इससे कुछ कहा, जब इस बात को मेरे घर वालों को पता चला तो घर पर विवाद भी हुआ। विवाद हुआ तो उससे घर वाले नाराज हो गए। घर वाले नाराज होने के बाद हम मतलब अपने रूम पर आ गए। इससे हमने अपनी बात कही कि तुम्हारी वजह से ऐसे, तो इसने मुझसे झूठा समझौता किया कि तुम्हारा हम पूरा ख्याल रखेंगे और घर में कुछ ना बताना। मैंने इसकी बातों पर आया कि मैंने अभी घर पर नहीं बताया कुछ, और जब ये इसने नहीं बताया तो मैंने एस पी से और कोतवाली में और कई जगह शिकायतें की, तो उसके बाद इसने मुझसे समझौता कर लिया। जब समझौता किया तो उसके बाद ये कल के दिन मेरे रूम पर फिर आए, अचानक से आया तो मेरे साथ जबरदस्ती की और उसके बाद मेरा मोबाइल वगैरह छीन के फिर से फरार है। और इस समय जी हाँ, अभी एस पी सर से शिकायत करके आया, पिछली बार भी किया था तो उसमें ये समझौता वगैरह करा गया था। क्या मांगे बात? मांग क्या, हमें तो नहीं चाहिए। मांग क्या है भाई, शादी से हुआ है भाई, शादी अगर उसने की है तो शादी क्या कर सकता है? तो बदतमीजी करी है जी हाँ, बदतमीजी होगी जबरदस्ती करना, कल के दिन रूम पे आना, मेरे मोबाइल से मोबाइल छीन के सब कुछ ले, बदतमीजी ही हो गई ना, एक हिसाब से बदतमीजी सरासर है। महोदय, जनपद में तैनात एक पुलिस कर्मी पर एक महिला द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया है, क्या है पूरा मामला और क्या विधिक कार्रवाई है? हाँ, ये आज बात संज्ञान में आई है और इस पर बात जांच विधिक कार्रवाई।